के ग्राम ऊटवास में ग्रामीण कीचड़, गंदगी एवं पानी की समस्या से परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव ग्रामीणों की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे ग्रामीणों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित नजर आ रहे हैं। वहीं पीने के पानी का हैंडपंप गंदे पानी के बीचों बीच मौजूद है और वहां ग्रामीण इसके कारण गंदा पानी पीने को मजबूर है, क्योंकि हैंडपंप में गंदा पानी आता है। ग्रामीणों का कहना है कि जिससे मच्छर से बीमारी पनपती है और गंभीर बीमारी होने का अंदेशा ग्रामीणों को और बच्चों को बना रहता है। कई बार ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने शिकायत की, लेकिन इसके बाद भी कोई निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। आज भी ग्रामीण गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। वहीं नालियों की साफ सफाई नहीं होने के कारण गंदा पानी सड़कों के बीच भर जाता है, जिससे आए दिन विवाद की स्थिति बनी रहती है। एक तरफ प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत का सपना देख रहे हैं, तो वहीं ग्राम पंचायत ऊटवास बड़नगर से कुछ ही दूरी पर आप देख सकते हैं गंदगी का साम्राज्य पसरा पड़ा है। आखिर प्रधानमंत्री का सपना कैसे साकार होगा? ग्रामीण क्षेत्रों में जब इस तरह के हालात रहेंगे, तो अब देखना यह है कि प्रशासन और उच्च अधिकारी इस ओर क्या कार्यवाही करते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? क्या समस्या आपके गाँव की? क्या सरपंच सचिव से बात हुई इस संबंध में? आप हमेशा बोलते हैं पर करते नहीं काम। करते ही नहीं, क्या बोलते हैं? करेंगे, आएगा तब करेंगे। तो नाली की साफ सफाई तो पहली प्राथमिकता रहती है, फिर क्यों नहीं करते? करते हैं सर, हम ही साफ मिट्टी आती है इसमें, पानी रोज ऊपर से पानी आता है गाँव से मोटर का, सब गंदी नाले से लेटरिंग वगैरह विवाद होता है। विवाद क्या, नाले साफ करते हैं कि आगे वाला बोलते हैं कि भाई किचन में देख लो आगे। हाँ, तो इधर सर जनलावत कहाँ के रहने वाले हो? उपवास के। क्या आपके पंचायत में क्या व्यवस्था और क्या है पूरा मामला? पूरा मामला सर ये है कि जैसे देख रहे हो सामने नेटरिंग बन गई है लोग उनकी, जिसके बाद भी नेटरिंग रोड पे नेटरिंग जाते हैं। क्यों जाते हैं? उकेले डाल रखे हैं, कहा जाएगा आदमी, बरसात में भी पानी घुसता है घर में सर हमारे। तो सर आपके सचिव और सरपंच इस ओर को ध्यान नहीं देते हैं? कोई ध्यान नहीं देता है, नहीं तो ऐसा बड़ा रहता क्या? अभी तक ध्यान देता तो कहाँ से बड़ा रहता। क्या कहना है आपके सरपंच का और सचिव का? क्या कहना है, बोला तो क्या बनाएंगे, कब बनाएंगे ये उकेड़ा और ये सब ऐसे बने हैं सर, घर में पानी घुसता है। तो आपके सरपंच सचिव ध्यान नहीं दे रहे हैं? और घर में और वो नाली, वहाँ नालियों जाम हो रही है। पंचायत खुलती है कि नहीं? पंचायत खुलती है, पंचायत भी अभी कोई 11 बजे खुलती है, कोई बार 12 बजे खुलती है। पटवारी के पते नहीं आने के, ये मंत्री पटवारी आया ही नहीं रहा है, 2-3 दिन हो गए। सचिव आता है, कभी कभी आता है सचिव, कभी नहीं आता है, रोज नहीं आता है, रोज डेली नहीं आता है भाऊ जी। भाई। क्या समस्या है आपके गांव की? कौन सा गांव है? उटवास। क्या समस्या है? ये समस्या नाली को बहुत हो रही है हमारे, पानी वानी भी कुछ नहीं है, गंदी वाला बहुत हो रहा है हमारे घर। तो आपके सरपंच और सचिव सफाई नहीं करवाते? क्या कर रहा है? आपने कभी बोला उनसे? बोला, बहुत बार बोला उनको। क्या बोलते हैं सचिव और सरपंच आपके? क्या बोलते? बोले करवाएंगे, हो जाएगा, क्या करना हमारे को, वो फलाना ऐसे करते और क्या, मतलब कोई संतुष्ट जवाब नहीं देते हैं आपको? हाँ नहीं देते। और कोई व्यवस्था नहीं करते हैं? कोई भी व्यवस्था नहीं, पानी तो है ही नहीं बिल्कुल भी इधर, पीने का पानी नहीं गाँव में। हाँ, पीने का पानी नहीं है और ये नाली वाली। कहाँ से लाते हैं अभी आप पानी पीने का? घर पे हो तो ठीक, नहीं तो दूसरा के यहाँ से होलसेल लाते हैं, मोल पानी भरवाते हैं नाली से।